हाँ भाई बेटे, मैंने पहले आपको बताया था दो त्रिभुज की समरूपता, ठीक है ना, बताइए कि तो पहले मैंने क्या बताया था, मैंने नंबर एक पे किससे पहचान करते हैं हम, क्या बताया था, जब दो त्रिभुज के तीनों एंगल दूसरे वाले आकृति से क्या होंगे आपके मैच हो रहे हो, ठीक है ना। दूसरे क्या बताया था आपको, एस ए, और तीसरा जो बताया था आपको एस एस, जो कि आपको पहले दिया था मैंने आपको एच डब्ल्यू में। इसमें क्या होता है, दो आकृतियां आपकी इस प्रकार से होंगी, ठीक है भैया जी, ठीक। और भैया सपोज करो भैया आपका दो है और ये आपका छ, ये तीन है, ये आपका नौ, ये चार है और ये आपका बारह, ठीक है भैया। ए वी सी पी क्यू आर, ये है, ठीक है। अब पढ़ते क्या हैं, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ए वी अपॉन क्या लेंगे अब भैया, पी क्यू, क्या है, दो बटे छः, दो का ना दो त्या छः, तो क्या है भैया आपका एक बटे तीन। अच्छा उसके बाद क्या बताया था भैया, ए सी बटे किसके होगा, पी आर, फिर क्या होगा आपका तीन बटे नौ, तीन करना तीन क्या एक बटे, ये भी आपका एक बटे तीन, ये भी आपका एक बटे तीन। उसके बाद बी सी बटे क्या है आपका क्यू आर, बी सी कितना आपके पास चार, और भैया क्यू आर चार 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 दिया, तो भैया ये भी आपका क्या आया एक बटे तीन। इसमें क्या बताया है कि तीनों के अनुपात क्या आया भैया, समान आए हैं, तो इसीलिए क्या है, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज जो है आपका ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, कौन से नियम से भैया, एस एस एस, बताओ किसके समझ में नहीं आया, आगे सब समझ में, नोट करो भैया। अब यहाँ पर देखिए भाई, देख रहा है ये सब, अच्छा बेटे खाली स्थान आपको बनने हैं, पहला है आपका सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं, ठीक है ना, सर्वांगसम होते हैं या फिर समरूप होते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या होगा भैया, क्या आंसर है इसका, समरूप। अच्छा कैसे है भैया समरूप, अब यहाँ पर देखिए वृत्त कैसे समरूप होते हैं भैया, कोई दो वृत्त हैं, मान लिया गोलू ने एक वृत्त बनाया इस प्रकार से, हाँ बेटे ने घर बैठ के बना दिया, ठीक है ना, तो ये पांच त्रिज्या का बनाया, कितनी त्रिज्या, ठीक है ना, लेकिन विनीत को अच्छा नहीं लगा, विनीत ने और बड़ा बना दिया, हाँ बेटे ये आपका इस प्रकार से बना दिया, ये मान लो कितने का भैया, छह का मान लो, ठीक है ना। अच्छा कोई ऐसा स्टूडेंट सब लड़कों में जो समरूप होने की दोनों कंडीशन बता सके, कल बताए थे अच्छे से बता दो, इससे बढ़िया वाले तो वे ही हैं जो अब्सेंट हैं, ठीक है ना। अच्छा लड़के बताओ भाई, एक तो आकृति समान होनी चाहिए, अच्छा और आकार समान हो भी सकता है, नहीं ये था, हाँ ये था, ठीक है ना, मतलब आकृति समान हो आकार समान हो या ना हो, भैया देखो यहाँ पर आकृति समान है लेकिन आकार की बात करें तो कितनी त्रिज्या का है, पांच, और ये छह, और अगर कोई तीसरा में प्रयार करके मतलब एक बड़ा बना दे तो मतलब आकार तो चेंज हो रहा है, आकृति विरक्ति, ठीक है, तो भैया क्या आएगा इसमें, समरूप। अच्छा बताओ किसकी बात समझ में नहीं आई, आगे बात समझ में, अच्छा भैया सभी वर्ग होते हैं सर्वांगसम या समरूप, अच्छा फिर से ये एग्जाम्पल देते हैं भैया, क्या करा गोलू आया, इसको कितने का पाँच सेंटीमीटर, आठ मान लो, आठ सेंटीमीटर का ये इसने बना दिया, ठीक है, वर्ग में क्या होता सभी सभी भुजाएं क्या होती समान होती ना, उसने क्या करा भैया इस बार कुछ बड़ा बना दिया, मान लो ये नौ सेंटीमीटर का बना दिया। अच्छा अब ये नितिन बताएंगे भैया इसमें से कौन सा आंसर होगा, समरूप या फिर सर्वांगसम,
सर्वांग सम बता रहे। अच्छा भाई इसमें कुछ चीज देखनी है आपको। अच्छा एक बात बताओ कि सर्वांग सम होने की क्या कंडीशन थी, सर्वांग सम होने की क्या कंडीशन थी बताओ भाई। आदित्य ना ये तो समरूप है, सर्वांग सम होने की क्या क्या कंडीशन थी हमें बता सकते हैं तुम? क्या मतलब आकार समान, मतलब क्या हो आकृति भी समान हो और भैया आकार भी समान हो। तुम क्या हो ये सर्वांगसम कब होता कि भैया जब हमारा ये ऐसे होता, ये मान लिया आठ का है, ये आठ का है, ये भी आठ का, ये भी आठ का, तो इधर भी कितने का होना चाहिए था भैया आठ का होना चाहिए था। इसी प्रकार से जहाँ आकृति ये चतुर्भुज है तो ये भी चतुर्भुज है, ठीक है ना, और ये आठ आठ सेंटीमीटर की बुझागा तो ये भी कितने का आठ आठ सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये तब हमारा क्या होता सर्वांगसम होता। लेकिन गोलू ने बनाया ये और विनीत ने बनाया ये, तो ये 9 सेंटीमीटर का है और ये 8 सेंटीमीटर का, लेकिन दोनों है क्या वर्ग है भैया, तो इसलिए क्या है समरूप है सर्वांग सम समरूप समरूप भैया। लेकिन नितिन को क्या लग रहा ये पीछे ठीक हो गया तो पीछे वाला ठीक कर देगा, ठीक है ऐसे सोच लो भैया ऐसे नहीं होने का, ठीक है। अच्छा सभी त्रिभुज सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से होते हैं या संधिबाहु या समबाहु। अगर हम बात करें समबाहु त्रिभुज किस प्रकार से बनता भैया, इस प्रकार से बनता, ये भी एंगल कितने का 60 का, ये भी 60 और ये भी आपका 60 का। बात करें भैया ये आपका 4 सेंटीमीटर मान लें, ये भी 4 सेंटीमीटर मान लिया हमने। अच्छा अब बात करते हुए थोड़ा बड़ा बना लें, ये हमने मान लिया 9 सेंटीमीटर, ये क्या मान लिया 9 सेंटीमीटर, ये हमने मान लिया 9 सेंटीमीटर। लेकिन भैया एंगल तो इसमें भी 60 रहेगा और इसमें भी 60 रहेगा, और भैया आपका इसमें क्यों क्यों रहेगा 60, क्योंकि दोनों ही क्या है समबाहु, ठीक है ना। बताओ क्या होगा सर्वांग सम या समरूप, क्या अच्छा यहाँ पर तो ये चीज है ना, क्या बताया ना संधिबाहु है या समबाहु है। अब यहाँ पर लिखते हैं समरूप होगा ना, क्योंकि हमारा आकार चेंज हो गया लेकिन एंगल तो भैया है ना 60-60, तो यहाँ पर क्या होगा भैया आपका समबाहु, समबाहु। तो यहाँ पर अब आता क्या है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, बहुभुज का मतलब क्या है भैया, जैसा आपका एक त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया और भैया आपका हो गया पंचभुज, इस प्रकार से ये भैया बहुभुज की आकृतियां हैं। समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो बराबर हो और भैया उनकी संगत भुजाएं क्या हो समानुपाती हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं कोण क्या हो हमारे भैया बराबर हो और भुजाएं समानुपाती, समानुपाती का मतलब कैसे भैया अभी बताया था ना वो एस एस वाला अनुपात में क्या आ रहे थे 1/3, 1/3 और 1/3, मतलब समानुपाती थी, ठीक है ना। कोण बराबर कैसे, जैसे यहाँ 60 तो वहां भी कितना होना चाहिए 60, ए बी सी पी क्यू आर, इस प्रकार से हर जगह हम लिख सकते हैं पी क्यू आर भैया एस, नोट करो भैया अच्छी तरह। यहाँ पर देख लो भाई साहब बेटा समरूप आकृतियां हैं, ठीक है ना, दो समरूप आकृति को उदाहरण इसमें देने हैं और दो समरूप नहीं है ऐसी आकृतियां हमें है देनी है, ठीक है ना। तो कई बार आपको बताया भी है समरूप आकृति दो बनानी है ना, तो बेटे ये भी आपका विरत है जैसे, अच्छा आपको बताना समरूप है या नहीं, ठीक है 6 सेंटीमीटर जिससे पूछ जाएगा बेटे भी बता दो, है नी। ये थोड़ा आपका गोल नहीं है। अच्छा अब बताओ भैया, हाँ भैया इसके तुम बताओ ये समरूप है या नहीं है भैया, है क्यों है समान। अच्छा तुम बताना नहीं है क्यों नहीं है, रीजन आकृति तो सेम है। हाँ तो आकार भी सेम है। हाँ तो बेटे समरूप है या नहीं है फिर, क्यों नहीं नहीं है क्यों नहीं है,
हमने हो रहा ना ये तो उन्होंने कहा आवश्यक नहीं है, ठीक है ना, आवश्यक नहीं है, है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बेटे चलेगा काम। तो यहाँ पर सुनो बेटा, हजनी बात नहीं है, ये यहाँ पर सर्वांगक्षम भी है और भैया क्या है, सर्वरूप भी हो सकता है। क्यों? कंडीशन में ये कहा गया है कि छह छह हो भी सकता है या नहीं, नहीं। तो इस टाइम पे समरूप भी है, समरूप भी है और सर्वांगक्षम भी है। और अगर भैया मैं पांच कर दूं तो तब तो पक्का पता समरूप है। बताओ भाई। अच्छा अगर बात करते हैं हम इसकी, ये आपका 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये भैया 5 सेंटीमीटर, और हमने इस प्रकार से हमने ये यहाँ पर बनाया 6। अच्छा तो समरूप है या नहीं है? अच्छा अब यहाँ पर बनाते बैठे हम 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 6, और यहाँ भी हम बलिना बनाते हैं 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो सालू आपको बताना है कि ये तो समरूप है या नहीं है? नहीं, नहीं। क्यों नहीं है भाई? आकृति अलग है। तो आधी बात समझ में? तो एक और बना सकते हैं ना इसका, ठीक है? तो भैया ये समरूप है और ये समरूप यहाँ पर दिख रहा नहीं, नहीं। तो इस जैसा ही कौन बन जाएगा ना, ठीक है नोट कर लो। अच्छा यहाँ पर देख लो भाई, इसमें बताना भैया निम्नलिखित जो चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। अच्छा यहाँ पर देखते सबसे पहले क्या करते हैं, इनकी भुजाओं का अनुपात निकाल के देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा भैया यहाँ पर देखते हैं ये भुजा किसके बराबर होनी चाहिए, इसके यानी इसका अनुपात निकालते हैं, यानी एस पी बटे क्या लिखेंगे बटे DA, क्या होगा आपका 1.5/3, दशमलव हटाओ क्या आ जाएगा आपका 30, 15 का ना, 15 दिया नहीं, 15 दुनी 30 भैया आपका जाएगा 1/2, ठीक भैया। उसके बाद क्या करते PQ/ क्या लेंगे बेटा, AB, यानी PQ कितना आपका 1.5 और ये कितना आपका 3, 15 दुनी 30, इस प्रकार से रहता। उसके बाद आर साथ दिख रहा ना, क्यों आर बटे बीच ले लो, यहाँ पर भी क्या आपका 1.5/3, जब आप यहाँ हटाते हो आपका आता है 1/2। उसके बाद आप आता है एस आर बटे डी सी, क्या है आपका 1.5/3। तो आप देखो सभी में क्या आ रहा भैया, 1/2 तो आ रहा, ठीक है। अगर बात करते हैं एंगल की, भाई ये एंगल कितने का, ये 90 का है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि आकृतियों के संगत कोण बराबर नहीं है, क्या नहीं है, बराबर नहीं है, इसीलिए क्या बताना, इसीलिए ये चतुर्भुज समरूप नहीं होंगे। फिर चेक करो आंसर, ठीक है ना, नोट करो। अब यहाँ पर देखिए भाई, आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। जो आज ही जो स्टार्ट होनी है नई एक्सरसाइज वो होनी है 6.2, लेकिन उससे पहले कुछ फिल्म है जो तुम्हें समझनी पड़ेंगी भैया। पहली जो है आपकी खेल्स फिल्म, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है भाई, या फिर आधारभूत समानुपातिक फिल्म ये होती है।
ठीक है भैया, इसके क्या नियम है यहाँ पर देखिए भैया, इसने क्या बताया, जो थेल्स थे इन्होंने बताया, जैसे हमारे एक त्रिभुज है, अब ये बात ध्यान से देख लीजिए ना, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, अगर त्रिभुज में कोई क्वेश्चन आया तो बेटे यहाँ से आ रहा क्वेश्चन आपको, ठीक है ना। ये आपका कुछ त्रिभुज है ए वी सी, ठीक है ना, और यहाँ पर आपको क्या है एक इस प्रकार से पी और क्यू, ठीक है ना, और कंडीशन ये कही है अगर पी क्यू रेखा बी सी के समांतर होगी, क्या कंडीशन होगी भैया, अगर पी क्यू जो होगा वो किसके समांतर होगा, बी सी के समांतर होगा, तब क्या होगा, क्या होगा भैया आपका ए पी अनुपात पी बी, ए पी अनुपात बराबर होगा ए क्यू बटे क्यू सी, भैया ठीक है, या फिर क्या होगा भैया ए पी, ए पी बिजली बेटा मुंह शांत करो, ए पी और क्या होगा भैया आपका पूरा ए बी, क्या होगा ए बी होगा, उसके बाद ए क्यू क्या होगा, ए क्यू किसके होगा, ए सी के, यानी पूरी बी, ये बताओ ये दोनों चीज किसके समझ में नहीं आई, आ गई क्या, यहां पर समझो, अगर पी क्यू बी सी के समांतर है, पी क्यू जो रेखा है वो किसके समांतर है भैया, बी सी के, उस कंडीशन में क्या होगा, इसका यानी ए पी का अनुपात पी बी बराबर किसके होगा, ए क्यू बटे क्यू सी, ये तो है भैया, दूसरा क्या है ए पी बटे ये पूरा ए बी, और भैया ए क्यू बटे ये पूरा ए सी, सारी बात समझ में, और अगर मैं कहूं भैया कि इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर आ रहा है, उस कंडीशन में ये दोनों क्या होंगी, समांतर रहेंगे, सारी बात समझ में, कभी कभी क्या होगा जो सिद्ध करने को जाएगा ये दोनों समांतर हैं, बताओ कैसे, ऐसा क्वेश्चन भी आ रहा, तो ये कैसे पता लगाएंगे नितिन, अब विनीत कैसे कहाँ पहुँचा देता वो बताओ, अब बताओ भूल गए बेटे, उस पर ध्यान रखो, क्या बताया था हमने, इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात अगर बराबर आ गया तो भैया ये दोनों समान होंगे, बीच वहां से आ जाओ आप, ठीक है ना, यहाँ नहीं आना, उसे छोड़ दो आप, बस यहाँ समझ लो, अब ध्यान यहाँ पर लगा दो, ठीक है भाई, ये नियम हो गया, अब ये सिद्ध कैसे करके दिखाओगे, एक आदमी ये सिद्ध भी करवा सकता है कि ये दो आपका है, ये क्या मान लिया हमने, ये तीन और ये बट नौ मान लो, सही है, अब हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो थेल्स ने पिर में दी है ये सही भी है या फर्जी है, ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लो भैया, अगर मैंने कहा कि ये दोनों समांतर हैं तो ये इनका अनुपात और इनका अनुपात क्या आना चाहिए भैया, बराबर आना चाहिए, अच्छा ए पी बटे क्या बताया था हमने, पी बी, दो बटे क्या आए हैं आपके पास, दो ही कना दो, एक बटे तीन आ गया आपका, ठीक है भैया, अच्छा अब इन दोनों का अनुपात निकाल लो, क्या निकालना आपको, ए क्यू बटे क्यू सी, भैया क्या नाम आपका, तीन बटे नौ, तीन का ना तीन क्या एक बटे तीन, अच्छा ये बताओ बराबर आया कि नहीं आया, तो यहाँ पर देख सकते हैं भैया ए पी अपॉन पी वी बराबर है ए क्यू बटे क्यू सी, इसका मतलब उन्होंने फिर में ठीक दी थी, आपकी समझ में नहीं आई क्योंकि आपने और ही सोच रखा था कुछ, अच्छा अब ये तो आपका सही हुआ, ये और देखना कि ये भी सही है या नहीं है, अच्छा ये क्या नियम बताया था मैंने भैया कि ए पी बट क्या बताया आपको ए बी, ए बी क्या है पूरा, पूरा क्या भैया ये दो है ये छह है तो ये कितना हो जाएगा आपका आठ, मतलब आपका आगा क्या ए बी क्या है आपको ये दो बटे आठ, दो ही बना दो चो एक बटे चार, अच्छा फिर क्या है ए क्यू बटे ए सी, भैया ए क्यू क्या है आपका तीन और छ नौ और तीन बारह, ये आपका आ गया भैया बारह,
तीन गुना तीन चौक भाई ये भी एक बटे चार आ रहे, इसका मतलब ये भी तो बराबर है, यानी ए पी बटे ए बी बराबर ए क्यू बटे ये भी भैया आपके, इसका मतलब इन्होंने बिल्कुल दोनों सही बात कही। बताओ समझ में आई भाई, नोट कर लो। यहाँ पर देखो भाई क्वेश्चन में क्या बोला है, डी जो है वो समांतर है वी सी के, ठीक है ना। अब नितिन बताएंगे, नितिन भैया इसका मतलब क्या है, बेटी ये होता ध्यान, जिसका ध्यान होगा वो बता देगा। अब फिर यहाँ बताओ डी समांतर वी सी के, आई बात समझ बेटे, कि DE समांतर है BC के, जब भैया हमें E और C का मान निकालना है, EC का मान निकालना, तो कैसे निकालेंगे भैया EC का मान। अच्छा भैया जब मैंने बताया था कि ये इसके समांतर होगा तो थेल्स पिरमे क्या कहती है, थेल्स पिरमे से क्या होता भैया, AD बटे DV बराबर क्या होगा आपका AE बटे इसी। अच्छा अब यहाँ पर देखिए भैया ए डी की वैल्यू क्या है आपकी 1.5 और डी वी की वैल्यू क्या है आपके पास 3 बराबर ए ई की वैल्यू कितनी है आपके पास, और ये आपको निकालना है। अच्छा भैया जिसके आप पॉइंट उड़ाते हो नीचे क्या आ गया आपका 0, 15 का ना 15 यानी 1/2 बराबर 1/EC, ठीक है भैया ये आपका इधर पहुंच जाएगा ये आपका इधर, तो क्या होगा भैया ई सी बराबर 2 cm। बेटा आंसर चेक कर जल्दी, ठीक है। तो भैया ये होता आपका एच, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना आप सब, ठीक है नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए भाई क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टार्ट होना आपका, बड़े ध्यान से देखना, क्वेश्चन भी आपको एच डब्ल्यू मिलेगा। बताओ भाई किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ पी क्यू आर के समांतर है। बड़े यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज है आपका इस प्रकार से, ठीक है, जो कि पी क्यू आर पर ध्यान सुनना ये है, और इनके बीच में बिंदु है आपका E और F, E F है ना, E और F, और ये आपका इस प्रकार से, तो आपको ये बताना है क्या भैया E F Q R के समांतर है या नहीं। अब भैया पीछे वाली लाइन में से ये एक छात्र भी ये बता दो कि भैया ये कैसे पता चलेगा ये इसके समांतर है या नहीं। अब बेटा शुरू में बता दो जब ध्यान से फिर मैं बताएंगे पी यहाँ पे बता रहे हैं पी बटे हाँ भैया पी ई बटे पी क्यू, ठीक है समान इज इक्वल टू पी एफ बटे विवास हुआ विवास हुआ भैया, उन्होंने बिल्कुल सही बताया है पी ई बटे ई क्यू बराबर आना चाहिए किसके पी एफ, ठीक है। अगर ये बराबर आ गया तो थेल्स की प्रमेय के अनुसार ये इसके समांतर होगा, अगर नहीं आया तो समांतर नहीं होगा। समझ में आएगी ना, यहाँ पर देखिए भैया अच्छा कुछ वैल्यू दे रखी है भाई, यहाँ पर देखिए पी बताओ क्या दे रखा आप पी जी 3.9 अच्छा ई क्यू 3 cm ई क्यू 3 cm अच्छा पी एफ 3.6 cm FR 2.4 cm अच्छा यहाँ पर देखिए भैया क्या बताया था मैंने आपको, यानी PE बटे EQ निकालते भैया क्या है आपका 3.9/3 दशमलव उड़ाओ ये देख लो 3 × 30 और 33 यानी अगर हम बात करें तो पी ई बटे क्यू ई क्यू 13/10 आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम भैया निकाल दिया पी एफ बटे एफ आर क्या है भैया आपका 3.6 और 3.6 आपका हट जाता है,
बारह दिन 24 और बारह दिया पी एफ क्या है आपका ये आपका आ जाता है। अब आप कहोगे भैया ये इसके बराबर आना चाहिए ना, यहाँ पर लिखते हैं पी ई बटे ई क्यू और ये क्या है आपका पी एफ बटे एफ आर। भैया क्या बराबर है ये नहीं है ना, तो डज नॉट इक्वल, इसीलिए इसीलिए क्या लिखना आपको ई एफ ई एफ पी नहीं ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं होगा। ठीक है भाई, यानी ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं होगा। भैया और कब होता है भैया ये बताओ, समांतर कब होता? हाँ डोली आप बताओ ये समांतर कब होता? अगर इनकी भुजाओं का अनुपात अगर ये बराबर रहता तब हमारा क्या होता है? ठीक है भाई, नोट कर लो। हाँ भाई, भैया ये दो क्वेश्चन है, इसमें भी तुम्हें ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये क्या है ई एफ क्यू आर के समांतर है या नहीं। भैया इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के अगर बराबर आ गया तो ये इसके समांतर है, अन्यथा नहीं। अब कहोगे भैया ये तो पी क्यू दे रखा पूरा पी आर दे रखा, तो उन्होंने क्या बताया दूसरा फॉर्मूला तो बताया था कि इसके बटे ये और इसके बटे ये यही बराबर आ गए तब भी हमारा समांतर मतलब ये ई एफ क्यू आर के समांतर होगा। अच्छा ये बताओ आज की क्लास कैसे लगी, समझ में आया विनीत? कर सकते हैं ना क्वेश्चन? तो भैया इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है और इससे पहले भी ये क्वेश्चन दिया होगा आपको, दिया ना? त्रिभुज समझ में आ रहा टॉपिक आपकी? तो बेटे मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है ना, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।